ये कुछ नज़ारा है। एक और ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। आज का सफ़र होने वाला है कोलकाता से मुंबई तक का, जिसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ अकासा एयर से, जिसमें आज की जो मेरी फ़्लाइट है वो है 9:35 पे, जो कि कोलकाता से उड़ान भरेगी और मुंबई में जो पहुँचेगी वो मुंबई में पहुँचने वाली है आपको 12:30 पे। तो और सफ़र बहुत ही सुहाना होने वाला है। रीजन की एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर दिख रहा है, पहली बार मैं कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहा हूँ। दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा वीडियो, बने रहिएगा वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि भैया आप ट्रैवल नहीं करते हो क्या। नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा था, वीडियो नहीं बना रहा था। तो मैं सोचा कि ज़्यादातर लोगों को मेरे जो चैनल पे है वो ब्लॉग देखने में पसंद आता है कि जब मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करता हूँ वही। तो मैं सोचा कि इस बार फिर से फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ, पहले भी किया मैंने लेकिन बहुत सारे वीडियो नहीं अपलोड किया मैंने। तो सोचा कि इस बार मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और इसमें पूरा डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि मैं पहली बार ट्रैवल करूँगा तो कैसा रहेगा, डर लगता है क्या, आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ मैं। तो मैं सोचा कि इस बार मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, समझाऊँगा एक एक करके प्रोसेस। दोस्तों, तो ये है कोलकाता एयरपोर्ट का नज़ारा जो आप लोग देख सकते हैं। बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं। तो ये रहा नज़ारा यहाँ का। आप थोड़ा सा अपना देखते हैं कि अपना काउंटर किधर है अकासा एयर का, आगे दिख रहा है, चलते हैं उस तरफ। ये सामने देख सकते हैं और अपना सामान को सबमिट करते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो मेरा जो बैग था वो मैं सोचा था हैंडबैग के जैसा कैरी करूंगा, लेकिन वो 9.5 kg हो गया, तो अलाउड होता है 7 kg तक ही। तो मैंने उसको तो 7.5 kg हो गया था, इसलिए मैंने उसको लगेज में सबमिट कर दिया है, जो मुझे डायरेक्ट अब मुंबई में मिलेगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं सिक्योरिटी चेकिंग करवाने और उसके बाद अपने गेट पे जाना है, जहाँ पे जाके अपने को वेट करना है और उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। सिक्योरिटी पे वीडियो बनाने नहीं देते तो आप लोग को शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा तो प्रोसेस। इस तरफ जितने भी लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये लाइन है सिक्योरिटी चेकिंग का। इसमें करना ये होता है कि सबसे पहले आप जो आपका लगेज रहे वो सबमिट करके, जब आप हैंडबैग लेके आएंगे जो फ्लाइट में आप साथ में लेके जाएंगे, मतलब आप अपने साथ में लेके जाएंगे, सीट के पास में रखेंगे, तो उसको लेके आएंगे तो सिक्योरिटी चेकिंग करने के टाइम पे आपको बूट, मैंने जूता, बेल्ट, मतलब वो सारी चीज़ें आपको निकाल के रख देनी होती है। पर्स हो गया, मोबाइल हो गया, घड़ी हो गया, ईयरफोन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जमा करना ही होता है। और उसके बाद उसको ट्रे में रख के आप जमा करेंगे तो स्कैनर से स्कैन होके जाएगा, देन आपको बाहर जो है आपकी चेकिंग होगी पहले पूरे अच्छी तरह से, उसके बाद आपको फिर से मिल जाएगा स्कैनर के बाद। तो दोस्तों, मैं सिक्योरिटी चेकिंग करवा चुका हूँ और मुझे जो मेरा जो फ़्लाइट आने वाली है वो 20 नंबर गेट से मिलेगी। तो अभी मुझे 20 नंबर गेट तक पहुँचना है, जिसमें मैं दिखाता हूँ आप लोग। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 14 से 21 तक आगे जाना है और 22-25 के लिए इधर जाना है, तो हम जाएंगे इधर आगे। जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को, सिक्योरिटी चेकिंग, ये देखिए सब कुछ सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद अपना बेल्ट पहन रहा है, अपना मोबाइल सामान संभाल। ये रहा 21 और वो रहा 20 नंबर गेट। तो 20 नंबर गेट से के तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या हाल है। ये देखिए, अभी 20 नंबर गेट से इंडिगो की फ़्लाइट लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ से लोग जो है ये सारे इंडिगो के फ़्लाइट में इंटर कर रहे हैं। तो वेट करना है मेरा, तो अभी तो मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा। अभी 6:20 ही हो रहा है और मेरा 9:35 को फ्लाई करेगा, तो जिसमें मेरा बोर्डिंग जो है 8:35 तक था है। तो अभी मुझे आराम से बैठना है, थोड़ा मोबाइल डिस्चार्ज हुआ है, मोबाइल डिस्चार्ज करना है, चार्ज करना है, और उसके बाद हमें वेट करना है फ़्लाइट को आने तक का, क्योंकि यह है कि बहुत जल्दी आ गया हूँ मैं, 6:39, मतलब 3 घंटे से भी ज़्यादा अभी मेरे पास में टाइम है। 3 घंटे एक मूवी सूवी लगाऊंगा और देखूंगा, तब तक 3 घंटे में फ़्लाइट आ जाएगी। आई थिंक
8:35 से वो लोग बोर्डिंग बंद करेंगे, मतलब आ जाएगी फ्लाइट तो पहले ही आ जाएंगे, और वो लोग 8:35 या 9 o'clock से बैठाना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कैसा है क्या है, एक एक चीज़ की अपडेट देता रहूँगा मैं आप लोगों को, बने रहे वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों का रहता है कि मैं पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल करूँगा तो कैसे करूँगा, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। होता क्या है कि जब भी आप एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, एयरपोर्ट पे पहुँचते ही आपको क्या करना रहता है कि अपनी टिकट, जो भी आप ई टिकट है या आप प्रिंट किए हुए टिकट को आपको सिक्योरिटी को दिखाना होता है, और वहाँ पर आपको अपने एक आईडी दिखाना होता है। वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये जो फ्लाइट है ये आज है कि नहीं है, बाकी सब जो चेक करते हैं, और उसके बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर इंटर कर देते हैं। एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही आप इंटर करते हो तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कौन सी एयरलाइन का फ़्लाइट है वो चेक करना है कि उसका काउंटर कहाँ पे है। तो जैसे ही आपको वो काउंटर मिल जाएगा तो आपको करना क्या है कि उस काउंटर पे जाना है। तो आपको क्या रहता है कि जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि कितना लगेज अलाउड करता है, तो आपको क्या है कि जैसे कि मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने जो बुकिंग किया तो उसमें मैं 15 kg तक का सामान मैं लगेज में ले जा सकता हूँ, और 7 kg का सामान मैं हैंडबैग में लेके जा सकता हूँ। तो आप भी उसी तरह से कि आप 2 bags रखें जिसमें आप एक सामान आप लगेज में जमा कर दें, और एक 7 kg का अगर सामान बैग है छोटा तो आप साथ में लेके जा सकते हैं। तो जो सामान है आपको, जैसे कि मैं अकासा एयर से ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसके काउंटर पे गया, काउंटर पे जाते ही आपको क्या करना है, अपना टिकट दिखाना है और वहाँ पे फिर से आईडी दिखाना है। तो आपको क्या होगा कि जो आपका लगेज होगा वहाँ पे वो वेट करेंगे, और उसमें पूछेंगे कि कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जिसको आप इसको लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, जैसे पावर बैंक या कुछ भी ऐसे, जैसे मेरे से पूछ रहे थे कि कुछ खाने पीने का सामान तो नहीं, लिक्विड तो नहीं है। तो उस तरीके से वो आप पूछेंगे कि ये जो जिस चीज़ फ्लाइट में नहीं ले जा सकते उस तरीके का सामान वो आपको मना करेंगे। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको ये वेट करेंगे, फिर वहीं पर आपको बोर्डिंग पास दे देंगे, जिस पे आप बोर्डिंग पास ले लीजिए, और इसके बाद वहाँ पे आपका सामान जमा हो जाएगा जो कि आपको मुंबई में जाके, जैसे कि जहाँ पे भी आप ट्रैवल करेंगे वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलेगा जब आपका फ्लाइट लैंड करेगा उसके बाद। तो उसके लिए वो जमा कर दीजिए, जमा करने के बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी चेकिंग कराना है, मतलब जो आपका हैंडबैग लिया है आपने उसको, और अपने जो जैसे मोबाइल चार्जर बूट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आप सिक्योरिटी चेकिंग पे आएंगे तो आपको वहाँ पे ट्रे बहुत सारे रखे हुए, तो उस ट्रे में निकाल के आपको खुद से रख देना है, जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप बाहर निकाल के रख देना है बैग से, आपको मोबाइल पर्स अगर कॉइन वाला पैसे वगैरह है वो, बेल्ट बूट ये सारी चीज़ों को आप ट्रे में रख दीजिए, ट्रे से स्कैन होके आ जाएगा। और उसके बाद करना क्या है कि आपको जो आपका बोर्डिंग पास है उसको लेके जाके आपको चेकिंग करवाइए, तो आपके पूरे बॉडी को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वो आपको वापस और बोर्डिंग पास दे देंगे, और इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें वापस हैंडओवर कर दिया जाएगा। फिर आप उसको अपने साथ में रख लीजिए, और उसके बाद आपको जब जिस टाइम पे आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा उसी टाइम पे आपको क्या किया जाता है कि ये बता दिया जाता है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो तो कितने नंबर गेट से गेट पर आएगी। तो सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद उस गेट को ढूंढिए और वहाँ पे जाके वेट कीजिए। जैसे कि मैं, मेरा जो फ़्लाइट है वो 20 नंबर गेट से है, तो मैं 20 नंबर गेट के पास में बैठा हुआ हूँ। तो जैसे ही वो आएगा तो वहाँ पे डिस्प्ले पे भी लगा हुआ रहता है कि हाँ इतना नंबर, जो फ़्लाइट नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है, यो इतना नंबर जो फ़्लाइट है आपको इतना नंबर गेट पे आएगी। फिर वो फ़्लाइट आने के बाद अलाउंस भी होएगा, फिर आपको जैसे ही वो बाकी सारे लोग रहेंगे उस फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले वो वहीं पर आपको बैठे मिलेंगे, ऐसे सिटिंग एरिया रहता है, इस तरीके से सीटिंग एरिया पे बैठिए, फिर उनके साथ में आप फ़्लाइट के अंदर एंटर कीजिए। तो मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको जब फ़्लाइट के अंदर जाऊँगा, फ़्लाइट के अंदर वीडियो बनाने अलाउड नहीं है, तो मैं लेकिन चुपके से बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो अभी तक का प्रोसेस जैसे मैंने आपको दिखाया आगे भी दिखाऊँगा, बने रही वीडियो में। आपको ना मैं ले चल के थोड़ा सा रनवे दिखा देता हूँ। रनवे पे एक जो मैंने बताया अभी 20 नंबर गेट से जो इंडिगो जा रही है वो लगी हुई है, तो उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से रनवे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए वो रही फ़्लाइट इंडियो की। ये देखिए इस तरीके से आपने जो बैग वगैरह सबमिट किया है ना, वो बैग वगैरह इस तरीके के गाड़ी से लोड होके आता है, फिर वो फ़्लाइट के अंदर लोड किया जाता है। और ये जो ब्रिज टाइप का दिख रहा है आपको, इस ब्रिज को ना क्या करते हैं कि ऐसे जो दिख रहा है आपको, ये एक टाइप का उस सेम टाइप का ब्रिज है जो कि उस फ़्लाइट से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसके थ्रू आप डायरेक्ट फ़्लाइट के अंदर एंटर करते हैं। बहुत सारे एयरपोर्ट पे क्या होता है कि ऐसे गेट नहीं होता, तो ग्राउंड फ्लोर से ही होता है, तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, बस में बैठा के आपको लेके जाता है एयरपोर्ट, मतलब प्लेन के पास में,
लेकिन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो बड़ी एयरपोर्ट पे तो बहुत सारे जो फ्लाइट रहता है ना, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा बस वगैरह का वो नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको पास में ही लाके लगा देते हैं एयरप्लेन को, और उसमें डायरेक्टली आप इस गेट के थ्रू यहाँ से जाके आप एंटर करके डायरेक्ट आप फ्लाइट के अंदर ही एंटर करते हैं और वहाँ पर जाके बैठ के आप फ्लाई करते हैं।